आज हम मैथ के पीरियड में पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू डिजिट्स। इसका मतलब होता है कि जो एक रकम, जैसे कि मैंने लिखी 38, कोमा लगा के फिर 38 और फिर एंड 1 और 8 के नीचे अंडरलाइन कर दी। ठीक है, ये मैंने जो लिखी ये रकम, ये हमारा जवाब इसका होगा 80, इसलिए क्योंकि 8 को हमने अंडरलाइन किया है। इसके आगे एक लफ्ज है ना, और एक ही जीरो लगाएंगे, ऐसे कि जैसे मैंने 3 को करा होता तो 3 दो जीरो लगाते, दो लफ्ज है ना आगे, ऐसे लगाते हम 3 0 0, दो लफ्ज होते। अगर मैं 8 को करता तो 3 जीरो होते, अगर मैं 3 को करता तो 4 जीरो हो जाते। तो हम आज प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब मैं रकम लिखूंगा, आप देख के नोट करें इसको। 38 को अंडरलाइन किया, 1 रकम 7 8 0 1 5 0 को अंडरलाइन किया मैंने, 6 8 2। चले बच्चों, आप ये नोट करें, 0 0 0 0 0 0 0। चलो बच्चों, ये मैंने लिखा है क्योंकि ये एक लफ्ज आ गया है तो एक जीरो लगाएंगे। इधर दो लफ्ज आ गए हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, दो जीरो लगाएंगे। हाँ, ये एक जीरो का जीरो लगेगा, जीरो का जीरो रहेगा। अच्छा। और ये 3 आगे लफ्ज हैं तो 3 जीरो लगाएंगे। अच्छा, तो ये ऐसे होगा, जीरो का जीरो रहेगा। हाँ, मुझे तो ऐसे नहीं लगता। तो फिर इनकी वैल्यू तो जीरो हो गई सबकी। नहीं, आगे भी है, जैसे कि नहीं देखे ना आप, ये इकाई दाई सैकड़ा वाली है तो इधर फिर जीरो तो नहीं लगेगा, जीरो लगेगा। चलो फिर बाद में इसको चेक करेंगे, आगे चले। आगे 8 2 को मैं लगा के 4 4। सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है। 4 को अंडरलाइन किया, 4 आगे 1 एक लफ्ज था तो मैंने एक जीरो लगाया। आगे है 6 5 2 5 6 2 5 6, अंडरलाइन मैंने 6 को किया। इसके आगे कोई लफ्ज नहीं है, 6 का 6 ही आएगा। ओके, जैसे कि मैंने लिखा 1 4, अंडरलाइन 4 को किया। आगे है 7 8 9। तो हमने इसके आगे कितने लफ्ज है, 3। हम 4 लगा कर कोमा लगाएंगे फिर 3 जीरो लगा देंगे। हाँ, ये जो ऊपर वाले दो क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसका आंसर चेक करें पीछे से। पीछे से आंसर निकालें उसका। कौन सी एक्सरसाइज है? 1.1 क्वेश्चन कौन सा है? बी और सी। 1.1 क्वेश्चन नंबर ए का बी और सी, जीरो दिखाएं, जीरो। हाँ, ये फिर सारे जीरो हो जाएंगे, ये भी सारे जीरो हो जाएंगे, तो टोटल ये एक जीरो ही बनेगा। तो ये आंसर इन्होंने बताया कि ये भी जीरो है और ये भी जीरो, ये भी जीरो है। वेरी गुड, आपने सही किया भाई, मैं गलत था। गुड, अशद टीचर है। आगे जैसे कि मैंने लिखा 6 3, तो तोते मिट्टू ने भी जीरो लिखा है।
गुड, बहुत अच्छे भाई, आपने तो बहुत अच्छा लिखा है। जैसे कि इधर तो वेल डन, इधर देखिए को क्या बात है, मैं 3 को मिटा दिया। अब ये समझ लिया, अब मैंने कोमा लगाया, कोमा लगा के 750 लिख लिया, फिर मैंने ये किया 60 लगाया, कोमा लगा के 000। चलें बस ये हमें समझ आ गए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।